एक तरफ पटना पुलिस संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल पर एक्शन करने में जुटी है तो दूसरी तरफ बीजेपी पटना पुलिस के मुखिया के खिलाफ एक्शन चाहती है। बात यहां तक बढ़ गई है कि बीजेपी अपनी सरकार की कुर्बानी तक का इतिहास बताने से चूक नहीं रही है। हालांकि जेडीयू ये साफ कर चुकी है कि पटना एसएसपी के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है लेकिन बीजेपी इससे खुश नहीं है, वो एक्शन चाहती है। एसएसपी पर कार्रवाई पर अड़ी बीजेपी। बीजेपी ने कहा चार सरकारें कुर्बान की। बीजेपी की मांग से कन्नी काट गई जेडीयू। पटना एसएसपी के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है, पीछे हटने के मूड में नहीं है। बात यहां तक बढ़ गई है कि बीजेपी सरकार कुर्बान करने का इतिहास बता रही है, यानी चेतावनी जेडीयू को दी जा रही है, लेकिन जेडीयू इससे बेफिक्र नजर आ रही है। हमने देश के लिए, राम मंदिर के लिए चार चार सरकारें कुर्बान की थी, इसलिए आरएसएस पर कोई भी कुठाराघात करेगा राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर तो इसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गलत कहा कि सही कहा, यह भी हम कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो उनके विभाग में या उनके कोर्ट के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना, तो जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी देखेगा कि इसमें गलती है तो फिर वो कार्रवाई करेंगे। उधर बीजेपी के तेवर को जेडीयू नजरअंदाज कर रही है तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर बीजेपी के बहाने आरएसएस को घेर रही है। आरएसएस और पीएफआई के दोनों के ट्रेनिंग एक जैसे हैं तो इसमें एसपी पर क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई तो आतंकवादियों पे कीजिए कि आपके राज में एनडीए का 17 साल से बिहार में राज्य है, शासन चल रहा है, फिर संपूर्ण बिहार में आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है? जो बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, वो बात तब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी बस समझ में आ रही है, और एसपी कौन रहेगा नहीं रहेगा तय सरकार न करेगी कि तय करेगी, कोई पार्टी तय करेगी। इसलिए आज जो लोग आरएसएस के खिलाफ बड़े बयान दे गए वो तो आज केंद्र में दुलरुआ मंत्री बने हुए हैं, तो उन पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उधर एनडीए की एक और सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी बीजेपी की मांग पर सवाल उठाया है। पूर्व सीएम ने तो पटना एसएसपी का बचाव करते हुए कहा कि दलित समुदाय से आने वाले ढिल्लों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें प्रायः होती रहती है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं इसलिए इसको इशू बनाया गया है। दरअसल पुलिस का जिम्मा गृह मंत्रालय से आता है और बिहार के गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार, ऐसे में उनके अधिकार पर सवाल उठे ये जेडीयू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ठीक ऐसी ही स्थिति बीजेपी के साथ है, उसके मातृ संगठन की तुलना पीएफआई से की गई है, इससे बीजेपी आहत है और वो एसएसपी पर कार्रवाई चाहती है। ऐसे में कौन झुकेगा, जेडीयू और बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है।